देखो कक्षा दसवीं गणित का अध्याय छह त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखना। सवाल बोल रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओ, किसकी भुजा, त्रिभुज PQR की भुजाओ, PQ और PR पर दो बिंदु है। PQ भुजा पर कौन सा बिंदु है, बिंदु E है। PQ भुजा पर कौन सा बिंदु है, बिंदु E है। और PR भुजा पर कौन सा बिंदु है, बिंदु F है। ठीक है, PQ भुजा पर बिंदु E है और PR भुजा पर कौन सा बिंदु है, बिंदु F है। तो बताइए पहली स्थिति के लिए क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है, दूसरी स्थिति के लिए क्या ये दोनों रेखा समांतर है, तीसरी स्थिति के लिए क्या ये दोनों रेखा समांतर है, ये बताना है जी। क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखना। सबसे पहले हल डालेंगे। अब जो जो सवाल में दिया हम उसको करेंगे। एक त्रिभुज PQR दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज PQR दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज PQR दिया है जिसकी भुजा PQ एवं PR पर, जिसकी भुजा PQ एवं PR पर। सवाल देख के लिखे अपने जी, है ना, बिंदु E और बिंदु F क्या है, स्थित है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल अनुपात निकालना है। इन दोनों का अनुपात निकाल लो, इन दोनों का अनुपात निकाल लो। अगर दोनों अनुपात बराबर है तो भुजाएं कैसी है, समांतर है, और अनुपात बराबर नहीं तो भुजाएं कैसी, समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालूंगा मैं, क्या लिखा है यहाँ पर, PE बटे EQ। क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम, PE बटे EQ। यहाँ निकाल लेंगे PE बटे EQ। PE का मान कितना है, PE का मान 3.9, ये मान कितना रख दे, 3.9 बटा का बटा। EQ का मान कितना है, EQ का मान है 3, EQ का मान कितना है 3, 3 एक कम 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 तिया 9, कितना आ गया 1.3 आ गया, कितना आ गया 1.3। ठीक है, अगला यहाँ पर अनुपात किसका निकाल लेंगे हम, PF बटे FR का, किसका निकाल लेंगे, PF बटे FR, क्या निकाल लेंगे, PF बटे FR। PF का मान कितना है, PF का मान 3.6, PF का मान कितना रख देंगे 3.6, बटा का हो गया बटा। FR का मान कितना है, FR कहाँ है, FR का मान कितना है 2.4, तो FR का मान कितना रख देंगे हम 2.4। अब काट देंगे इसको, काटे इसको अपन, चलो किससे काटेगा जी, 12 दुनी और 12 तिया, काटने सीखो, इसको काट रहा हूँ, 12 दुनी बटा का बटा, सॉरी 12 तिया बटे 12 दुनी, 2 एक कम 3 में 2 का भाग जा रहा, 3 में 2 का कितना बचा, 1, 1 में 2 का भाग जा रहा, यहाँ लग जाएगा दशमलव, 1 पे 0 10, 2 पंचे, तो भाग देने पर कितना आ गया 1.5। कितना आगे भाग देने पर 1.5। इसका अनुपात कितना आया, PE बटे EQ का अनुपात कितना आया 1.3, और इसका अनुपात कितना आया, PF बटे FR का अनुपात कितना आया 1.5। दोनों अनुपात बराबर आए क्या, ये दोनों अनुपात बराबर है क्या, इन दोनों अनुपात का मान कितना है 1.3, इन दोनों अनुपात का मान कितना है 1.5, बराबर है क्या, नहीं है बराबर। मतलब PE बटे EQ बराबर नहीं है, किसके, PF बटे FR के। जब अनुपात बराबर नहीं है तो रेखा समांतर होगी क्या, नहीं होगी, अतः रेखाएं EF और रेखा QR समांतर नहीं है, समांतर को काट दो तो समांतर नहीं है, अतः EF जो है वो QR के समांतर नहीं है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अगला विषय में ऐसी कर रहे हैं, अगले सवाल में कंडीशन बस संख्या बस चेंज है, बाकी पूरा जैसे का वैसा। किसका अनुपात निकाल लोगे, PE बटे EQ का, तो यहाँ निकाल लेंगे हम PE बटे EQ बराबर। PE का मान कितना दिया है, PE का मान कितना है 4, PE का मान कितना है 4 बटा
क्यूई का मान कितना है, क्यूई का मान है 4.5, क्यूई का मान कितना है 4.5। एक संख्या के पहले दशमलव लगाए, ऊपर कितने जीरो, एक जीरो, पनाठा 40, 5 9 45, तो पी बटे क्यू का मान कितना आ गया, 8/9 आ गया। अब किसका अनुपात निकाल लेंगे हम, पी एफ बटे एफ आर का, किसका निकाल लेंगे, पी एफ बटे एफ आर। पी एफ का मान कितना है, पी एफ, पी एफ का मान कितना है 8, कितना है 8 बटे एफ आर का मान कितना है, एफ आर का मान कितना है 9। तो इसका मान भी कितना आ गया 8/9, इसका मान भी कितना आ गया 9, मतलब दोनों का मान कैसा है, बराबर है, है बराबर। अगर अनुपात बराबर तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर, मतलब ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर कैसी होगी, अतः ई एफ एवं क्यू आर कैसी है, समांतर है। ई एफ और क्यू आर कैसी है, बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। चलो अब तीसरा भी यहाँ पर आपका ऐसे ही है, चालू नहीं हुआ, चालू तो है। अगला क्या देखो, अगला क्या लिखा है यहाँ पर, पी ई बटे ई क्यू, क्या है यहाँ पर, अरे पी ई बटे ई क्यू क्या है, पी ई बटे ई क्यू क्या है, ई क्यू लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे, ई क्यू, पी ई बटे क्या है यहाँ पर हमारा, ई क्यू। क्या दिया है, पी ई बटे ई क्यू, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 0.18, पी का मान कितना रख दिया 0.18, बटा का हो गया बटा, ई क्यू, ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान 1.28, कितना है 1.28। इसके बाद दो संख्या के पहले दशमलव, दो संख्या के पहले दशमलव, दशमलव दशमलव कट गया, कितना बचा 18/128, दो नौम 18, दो छिंग 12, दो चौ 8, ठीक है। अब अगले के निकाल लेंगे यहाँ पर हम, पी एफ बटे एफ आर, क्या निकाल लेंगे, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान कितना है, पी एफ, पी एफ का मान कितना है 0.36, कितना है 0.36, बटा का हो गया बटा, पी आर का मान कितना है, पी आर, पी आर का मान है 2.56, दो संख्या के पहले डेसिमल, दो संख्या के पहले डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 36/256, चार नौ के चार छिंग 24, 25 में 24 का एक, चार चौ 16, 9/24, इसका मान भी 9/64, इसका मान भी 9/64, दोनों कैसे हैं, बराबर है, है बराबर। तो रेखाएं कैसी जाएगी, समांतर, बनेगा नहीं बनेगा, उतार लो।